स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे एक और नए दिन के एक और नए ब्लॉग में। और बड़ी जल्दी उठ गया हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे जो फिल्म का जो मेरा शो टाइम है फिल्म का, वो बहुत जल्दी गए। सुबह से पूरा टाइम ले लिया था। एक तो कंपेरेटिवली टिकट सस्ता होता है, बस तो जल्दी देख के जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो बस नहाने के लिए निकल रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है, सोच रहा हूँ जब तक साइकिलिंग करने को, नींद भी भयंकर आ रही है। क्योंकि हुआ क्या, अब रात को जो बम पटाव की आवाज आ रही थी, भट्ट 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 भट्ट, नींद बीच में खुली रही थी, बाद में पता नहीं मैं कब सोया, फिर से उठ तो गया ही हूँ। खैर जो भी है, मैं भूख लगी तो क्या खाऊंगा। शिम्बू शिम्बू उठ जाओ सर, शिम्बू उठ जा, शिम्बू उठो, अभी नहीं उठेगा, तब राजू भी आएंगे तभी उठेगा, अभी तो आराम से समझ उसको। छोटू 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 आने बन चुका हूँ डेडपूल, मार्वल की फिल्म देखने जाऊंगा, मार्वल के कपड़े पहन के जाऊंगा, टी शर्ट। और यार तेरे सुबह सुबह का शो है ना, सुबह सुबह का क्या बताऊँ। बस मैं निकल रहा हूँ, मैंने अपना बाइक भी बुक कर दी है, ओला बाइक आती होगी। बहुत नींद आ रही है भैया, बहुत नींद आ रही है। तो प्लान ऑफ एक्शन ये है कि ओला वाले भैया ने, तो मतलब बाइक वाले भैया ने तो मना कर दिया कि वो तो नहीं जाएंगे, तो ओला ऑटो मैंने बुक कर लिया है। ऑलमोस्ट उतने ही प्राइस का पड़ गया है, हमको तो पहुंचने से मतलब है, वो जल्दी से पहुँचे। मुझसे हो गया गड़बड़, मतलब गड़बड़ तो क्या है, मैं पहले आगे खड़ा हो गया हूँ और ऑटो वाले भैया कह रहे हैं कि अब इनको 5 मिनट और लगेंगे आने में, इससे तो घर पर ही रहता मैं, बेकार में देर खड़ा रहूँगा। पूरा पूरा मॉल ही खाली है, कोई आया ही नहीं है। एंट्री में भी अभी दिक्कत होगी, जब कई बार ऐसा होता है फिल्म के लिए देखने के लिए आते हैं तो सुबह सुबह एंट्री में ज़्यादा दिक्कत होती है। अरे वाह, आज जलाओ कर दिया फिल्म देखने, मतलब बड़ी इजीली एंट्री दी थी। ये देखो पूरा पूरा मॉल बंद पड़े, बस अलाउ उसने कर दिया, कोई शायद और भी मेरे से पहले कुछ लोग आ चुके हैं, इनको पता है इसने सुबह सुबह का टिकट और सुबह सुबह शो है। सारी की सारी दुकानें ही बंद हैं अब, क्योंकि छुट्टी का टाइम चल रहा है, तो पूरा मॉल बंद है। चलो भाई हम चलते हैं। बाय द वे, ये जो थिएटर में देखने के लिए आए हुए, PVR ही मेरा फेवरेट है। ऑल्दो IMAX नहीं है ये, PVR है, PVR तो पैसे भी अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ फेवरेट इसलिए क्योंकि मुझे याद है हमने फैमिली मूवी, सेकंड फैमिली मूवी इसमें देखी थी, एंड वो हम सबकी फेवरेट फिल्म बनी थी, वो थी हंगामा। 2003 की बात है, हम लोग हंगामा देखी थी। एक्चुअली हम Terminator 3 देखने वाले थे बट हाउसफुल था, तो हमने हंगामा स्विच किया था, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि फैमिली Terminator बैठ के देखती, वो भी 3, जो भी पापा मेरी नहीं देखी तो उनका बड़ी दिक्कत होती, तो हमने हंगामा बैठ के देखी थी। और उस दिन से लेके आज तक ये मतलब पापा मम्मी भैया हम सबका फेवरेट थिएटर बन गया था, और मोस्टली फैमिली फिल्म हमने यहीं पर देखी है जब जब हम आते थे फिल्म देखने के लिए, तो नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ इस थिएटर से, और कुछ ऐसे कुछ रीज़न नहीं है उसे। अभी तो साफ सफाई चल रही है, ओ PVR खुल गया। चलो मैंने वैसे दी अमेजिंग Spider-Man 1 और अमेजिंग Spider-Man 2 वंडर वुमन 1984 भी यहीं पे देखी थी, और पूरा खाली है थिएटर, पूरा खाली है, पूरा खाली। मेरे ऐसे होंगे एक दो नर्ड्स तो आए होंगे, मुझे ऐसा लगा नहीं, बट पूरा खाली है थिएटर, कोई भी नहीं। Eternals Spider-Man No Way Home का ट्रेलर चल रहा है, ये शायद अभी फिल्म में भी दिखाया जाएगा, क्योंकि जब मैं Venom 2 देखने आया था तब भी आया था। अभी सोनी की फिल्म इसलिए आया था, सूर्यवंशी भी देखनी है, बट ये पापा मम्मी के साथ ही देखूंगा, क्योंकि पापा मम्मी को ये मतलब सिम्बा, मतलब मुझे भी पसंद है सिंगम सिम्बा, तो काफ़ी पसंद आई थी फैमिली मूवी। अपना ऑडी 2 है तो वो तो उधर जाएगा, वरना मुझे 4DX का भी एक्सपीरियंस लेना है, कभी मैं 4DX में फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक बार फिल्म शुरू, ये जो 1 नंबर है ये 4DX है, इतना मुझे पता है कि एक बार शुरू हो जाती है ना ये, तो उसके बाद फिर ये रुकती नहीं है, क्योंकि 4DX एक बार आपकी सीट स्टार्ट हो जाती है तो जब तक फिल्म कम्प्लीट नहीं होगी वो रुकेगा नहीं। मैं ऑडी 2 Eternals, अगली फिल्म जो भी सुपर हीरो तो देखनी है वो है अनडाउटली Spider-Man No Way Home, बस डिले ना होगा। ड्यून देख ली, Eternals का बाकी बस अपना ऑडियो भी तो बंद कर।
अच्छी थी, वन टाइम डेफिनेटली वॉच है, बट हाँ लंबी फिल्म है, लंबी फिल्म है, अच्छी खासी लंबी फिल्म है, तो बाथरूम वाथरूम करके देखना शुरू करना, चलो मैं घर के लिए निकलता हूँ। तबीयत खराब हो रही है मम्मी? हाँ क्या हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है, ठंड लग रही है। कुछ खाया भी आपने? रोटी खाई। क्या? मूली की भुजी। आराम करो, बुखार तो नहीं है, लेटी रहो। अब जरा बात की जाए कि फिल्म कैसी है, तो फिल्म अच्छी है। देखो ऐसा नहीं है कि फिल्म बुरी है, फिल्म अच्छी है, इतने बैड रेटिंग्स मिल रही होती तो इसको डिजर्व नहीं करती है। फिल्म अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, पर लंबी है, इसी का ध्यान रखना। एक्चुअली बात ये ना कि ये फर्स्ट पार्ट होता है, अब जैसे फिल्म कोई सेकंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है, तो वो चलता है ना, हम पहले की स्टोरी जानते हैं। ये बिल्डअप था, तो बिल्डअप जनरली लोगों को तो पसंद नहीं आता है वो, और प्लस ये स्लो बिल्डअप था क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हमको जानना है, उनकी कहानी के, उनका पास्ट के, प्लस मैं सिर्फ मेन हीरोज तो होगा, साथ में विलन्स भी हो गए, प्लस सेलेस्टियल्स भी हो गए, तो उसकी वजह से ना बहुत सारे कैरेक्टर्स फिल्म में आ गए हैं, जिसकी वजह से फिल्म को ज़रा लंबा करना पड़ गया। एक्शन इसमें कम है कंपेरेटिवली, और ड्रामा ज़्यादा है फिल्म में, है ना, तो इसकी वजह से आप शायद लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लोग अगर एम सी यू की फिल्म देख रहे हो तो मतलब जान लीजिए आप एक्शन देखना चाहते हो, वो तो देख लेंगे, यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन फिल्म अच्छी है, वन टाइम डेफिनेटली वॉच, आप चाहो तो ज़रूर देखिए। और हाँ टॉयलेट का ध्यान रखना, क्योंकि लंबी फिल्म में तो दिक्कत हो जाती है, मुझे ही हो रही थी। ऑप्शन क्या क्या है खाने में? मिक्स वेज और मैं पूरी, मेरे को रोटी दे दो, रोटी दे दो सिंपल, पूरी बनती है शाम को, पूरी बनेगी तो हाल होती है ये तो। लाओ बस और बस क्या क्या है सब्जी में मिक्स? 21 सब्जियां, 21 सब्जियां, दही भी दे दो साथ में, दही आपके जा, मैं भी लेटूंगा, हटो मैं भी लेटूंगा। मम्मी मम्मी मुझे भी कंबल में ले लो। खाना खा लिया? अंधेरा आ रहा है इधर से, इधर ना एक लाइट लगानी जरूरत है मम्मी, है ना, इधर लाइट लग जाएगी ना तो ग्रेन्स भी कम हो जाएंगे और अंधेरा भी कम आएगा। मतलब क्या करें, खाना खाया? क्या खाया? कढ़ी चावल और मिक्स वेज और पूड़ी। वीडियो देख ली मेरी? लग चल रही है, देख भी लिया करो। और ये अपना मैच स्टार्ट हो गया, इंडिया वर्सेस ऑक्स स्कॉटलैंड, और आज विराट कोहली जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और बाहर पटाखे अभी थोड़े बहुत फूट रहे हैं, मतलब आज तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बट हाँ कुछ तो लोग फोड़ ही रहे हैं अभी भी। आई थिंक आज लास्ट रहेंगी ये लाइट्स, कल से तो हट जाएंगी। लेकिन बड़ा मेरे को दिवाली के टाइम बहुत अच्छा लगता है, पूरे घर वर सजे, पूरा मोहल्ला सजा पड़ा होता है, मॉल सब कुछ सजा पड़ा होता है ब्यूटीफुल लाइट्स में। अब अगले साल का इंतज़ार, आज लास्ट नाइट। तो दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं आज के मेरे दिन को, आज के मेरे व्लॉग को, और इस वीडियो के नीचे आपको जो भी कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं वो जाके पूछ लीजिए, उनका जवाब आपको संडे को मिल जाएगा, क्योंकि अब से हर संडे होगा अपना Q&A वीडियो, एवरी संडे, ठीक है, Q&A होगा, तो जितने आपको क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे पूछ सकते हो, ना जो कम्युनिटी टैब पे भी डाल जाएगा, वहाँ पे भी आप आके पूछ सकते हो। और जो आज का कोट ऑफ द डे है वो ये है कि वेयर एवर लाइफ प्लांट्स यू ब्लूम विद ग्रेस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने थॉट्स भी शेयर करिए कमेंट में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।